नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के इस मॉड्यूल में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। इससे पहले इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए मेरे 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपसे बात किया है संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, जिसमें हमने बड़े विस्तार से देखा है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को, 1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट को, 1793, 1813, 1833, 1853 के चार्टर्ड एक्ट को, उसके बाद 1857 की क्रांति और उसके बाद 1858 के अधिनियम को, 1861 के अधिनियम को, उसके बाद 1892 के अधिनियम को, उसके बाद 1909 के अधिनियम को जिसे कहा गया मार्ले मिंटो सुधार, उसके बाद हमने देखा 1919 के अधिनियम को जिसे कहा गया मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार, और उसके बाद अंत में हमने देखा 1935 के भारत सरकार अधिनियम को। तो हमने ये देखा कि इन अधिनियमों में क्या प्रमुख प्रावधान थे। तो ये 4 लेक्चर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको इंडियन पॉलिटी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में ये 4 लेक्चर्स एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। ये जो लेक्चर है वो एक डेमो लेक्चर है। जिस प्रकार से आप लोग इस लेक्चर को अपना प्रेम देंगे, अपना सपोर्ट देंगे, उस हिसाब से मैं इस पूरे इंडियन पॉलिटी को पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं इसका निर्णय करूंगा। तो ये एक प्रकार से डेमो है। जिस हिसाब से आप रिस्पांस उधर से देंगे उसी हिसाब से मैं इसे आगे बढ़ाने के लिए जो है प्रयासरत होऊंगा, नहीं तो 4-5 लेक्चर डाल के ठीक इंडियन इकोनॉमी की तरह मैं इसे छोड़ दूंगा। तो इसलिए निवेदन है कि इसे ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन देखिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, बुरा लगे तो डिसलाइक करिएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और आपके मन में कोई बात हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बेल आइकन है, जो घंटी है, उसे याद से दबा दीजिएगा ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रमुख विशेषताओं को देखें, उससे पहले 2 लाइन में हम यह समझना चाहेंगे कि संविधान आखिर होता क्या है। तो संविधान एक आधारभूत सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज होता है, एक आधारभूत सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी देश की शासन प्रणाली को संचालित किया जाता है, जिसके आधार पर किसी देश की शासन प्रणाली को संचालित किया जाता है। तो यह हमने समझ लिया। अब एक एक करके भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को हम समझना शुरू करते हैं। तो सबसे बृहद और लिखित संविधान, ठीक है, तो संविधान 2 प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अगर लिखित संविधान की बात करें तो अमेरिका, भारत, जापान, फ्रांस, इन जगहों पर लिखित संविधान है। अलिखित संविधान की बात करें तो ब्रिटेन, इजराइल, सऊदी अरबिया, न्यूजीलैंड, इन जगहों पर अलिखित संविधान है। तो जहां पर लिखित संविधान होता है वहां पर एक प्रॉपर जो है सरकार के प्रमुख अंगों, सरकार के प्रमुख अंग की बात करें तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सरकार के अंग होते हैं। तो उनके कार्य क्षेत्र क्या होंगे, उनकी सीमाएं क्या होंगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, उनकी सीमाएं क्या होंगी, ये सब जो है विस्तार से लिखा होता है जनरली। जैसे भारत के संविधान में तो सारी बातें लिखी गई है। और अलिखित संविधान में होता क्या है कि जो परंपराएं हैं,
हजारों वर्षों से चल रही हैं, जो प्रथाएं हैं, जो रिवाज है, जो रीति है, जो नजीर है, जो तमाम विधि विधान देश में संचालित हैं, उन सब के आधार पर जो है देश के शासन प्रणाली को चलाया जाता है, ठीक है। और वहां पर सर्वोच्चता का कोई सिद्धांत नहीं होता है। भारत में क्या है, या जिस देश में लिखित संविधान है वहां पर सर्वोच्चता का सिद्धांत होता है कि संविधान क्या है, वो सर्वोच्च है। संविधान के अलावा भी बहुत से कानून देश में चलते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, तमाम है। लेकिन उन सब कानूनों में संविधान क्या होता है, सबसे ऊपर होता है। और यह माना जाता है कि देश में जो भी कानून बने वो संविधान से सुसंगत हो, उससे असंगत नहीं हो। अगर वो असंगत हैं तो वो रद्द होंगे, वो अवैध घोषित हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है, जहां अलिखित संविधान होता है वहां पर विभिन्न कानूनों के समूह हैं और उन्हीं के आधार पर देश के शासन प्रणाली को संचालित किया जाता है। और कोई ऐसा सिद्धांत नहीं कि कोई सर्वोच्च है और कोई जो है नीचे है, सारे बराबर हैं और उन्हीं के आधार पर चलता है। तो जैसा मैंने बताया अलिखित संविधान में ये सारी चीजें होती हैं। एक उदाहरण मैं आपको इंग्लैंड का देना चाहूंगा ताकि आपको मेरी बातें ठीक प्रकार से समझ में आ जाए। देखिए, इंग्लैंड के कुछ कानूनों की बात मैं आपसे बताता हूं जिसके आधार पर आज भी इंग्लैंड में शासन जो है चलता है। तो मैग्ना कार्टा जो 1215 में हस्ताक्षरित हुआ था, उसके बाद द पेटिशन ऑफ राइट्स जो कि 1628 में, उसके बाद द बिल ऑफ राइट्स 1689 में, उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701, उसके बाद पार्लियामेंट्री एक्ट 1911, उसके बाद द क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947, इन सब के माध्यम से देश का शासन संचालित किया जा सकता है। इन सब में कोई सर्वोच्च नहीं होता है। तो जनरली अलिखित जहां संविधान होता है वहां संविधान नामक एक कोई किताब नहीं होती, बल्कि कानूनों का एक समूह होता है जिसके आधार पर शासन किया जाता है। और जहां पर लिखित संविधान होता है वहां पर एक ही किताब होती है जो कि शासन के सभी प्रमुख अंगों के बारे में बताती है और प्रॉपर वे से सारी बातें उसमें जो है लिखी गई होती है, जैसे भारत का संविधान है। तो लिखित संविधान और अलिखित संविधान पर एक जो है जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी ठीक प्रकार से हो गई होगी, ऐसा मैं मानता हूं। बताने के लिए इसमें बहुत सी बातें हैं, हालांकि समय तो कम भी है अपने पास। तो ये हमने समझ लिया लिखित संविधान अलिखित संविधान। अब हम समझना चाहेंगे सबसे बृहत संविधान है भारत का, ठीक है। तो इस धरती पर जितने देश हैं और जितने देशों ने लिखित संविधान अपने देश में अपनाया है, उन सब देशों में भारत का संविधान सबसे विशाल है, सबसे बड़ा है, और अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है। तो भारत के संविधान की विशालता को एक बार हम देख लें तो इसमें जो है 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है, जो कि बढ़ते बढ़ते अब 465 हो गए हैं, ठीक है। तो यहां पर दो आंकड़े लिखे गए हैं, एक जो है जिसमें लिखा गया है मूलतः और एक जो है ऐसे। तो देखिए, मूलतः का मतलब है कि जब संविधान लिखा गया तब कितने अनुच्छेद थे, जब संविधान लिखा गया तो उसमें कितने भाग थे, जब संविधान लिखा गया तो उसमें कितनी अनुसूचियां थी, और वो बढ़ते बढ़ते अब कितनी हो गई। तो मूल संविधान की हम बात करें, जब संविधान लिखा गया था तो 395 अनुच्छेद थे, जिनमें संशोधन होते नए नए अनुच्छेद जोड़े गए, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि लगभग 465 अनुच्छेद अब इस समय भारत के संविधान में हैं, ठीक है। जब संविधान लिखा गया तो 22 भाग थे संविधान में, अब बढ़ करके वो 25 भाग हो गए, तो तीन नए भाग जो है पार्ट इसमें जोड़ दिए गए। जब संविधान लिखा गया तो उसमें 8 अनुसूचियां थी, वो बढ़ते बढ़ते अब हो गई 12, और 5 परिशिष्ट। तो ये हमारे संविधान की स्थिति है। तो ये जो संविधान है वो बहुत बहुत बहुत
विशाल है, बहुत बृहद संविधान हमारा हो गया है। दुनिया में इतना बड़ा संविधान किसी के पास नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि हमारा संविधान इतना बृहद क्यों हो गया? क्या किसी देश के साथ जो है कंपटीशन हो रहा था कि नहीं, कौन देश कितना बड़ा संविधान लिख सकता है, या फिर महाभारत के लेखक के साथ कंपटीशन चल रहा था कि इतना बड़ा संविधान लिख दिया गया? तो आखिर क्यों इतना बड़ा संविधान लिख दिया गया, इसके क्या कारण थे, उसको हमें जो है समझना होगा। तो एक एक करके हम समझेंगे। तो जैसा कि मैंने लिखा है, भारत का संविधान इतना बृहद क्यों हो गया, तो उसके कारण भारत का विस्तार और उसकी विविधता। ठीक है, भारत एक बड़ा देश है और यहां पर तमाम भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, तमाम प्रकार की अलग अलग जो है सभ्यताएं यहां पर निवास करती हैं, जो है तमाम धर्मों के लोग यहां पर रहते हैं। यहां पर एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो है काफी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। अगर पूर्वी भारत की बात करें तो उत्तर भारत और पूर्वी भारत के लोग एक तरीके से दिखते नहीं हैं, तो बहुत ज्यादा विविधता है। धरती पर कोई ही देश शायद इतना ऐसा हो जिसमें इतनी विविधता हो, तो बहुत सी विविधताएं हैं। और इन सब विविधताओं को एक जो है डॉक्यूमेंट में स्थान दे देना, इन सब विविधताओं को समेट लेना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। और यह प्रयास करने में कि हम जो है सच्ची तस्वीर पेश करें, यह संविधान हो गया बड़ा, कि सबको जो है इसमें नए नए प्रावधान करने पड़ गए। अब जैसे देखिए, वनवासी भाइयों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं संविधान में, ठीक है। दूसरा, केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान का प्रावधान, केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान का प्रावधान। तो देखिए, भारत को माना जाता है कि भारत जो है एक संघीय देश है, हालांकि इसे अर्ध संघीय कहा जाता है। तो संघ में देश का भी संविधान होता है और राज्य का भी संविधान होता है, लेकिन भारत में क्या है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यहां पर एक ही संविधान में केंद्र के बारे में भी प्रावधान है और राज्यों के बारे में भी प्रावधान है, ठीक है। तो अगर केंद्र के बारे में ही केवल लिखा गया होता, सेंटर के बारे में ही लिखा गया होता, तो संविधान छोटा हो जाता। आप देखेंगे तो राज्यों के लिए पूरा का पूरा संविधान में प्रावधान दिया गया है और उससे भी यह संविधान क्या हो गया, विशाल हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान हमारे यहां है, अलग अलग तो है नहीं, तो इसलिए बड़ा हो गया कि भाई राज्यों के भी प्रावधान इसमें शामिल करने पड़ गए। उसके बाद 1935 के अधिनियम का प्रभाव, 1935 के अधिनियम को हमने बड़े अच्छे से समझा था। तो 1935 के अधिनियम का सबसे ज्यादा जो है प्रभाव भारत के संविधान पर पड़ा है। और इस 1935 के भारत सरकार अधिनियम में बहुत ज्यादा प्रशासनिक प्रावधान थे और जो सीधे सीधे संविधान में उठाकर डाल दिए गए, जिसके कारण हमारा संविधान जो है बड़ा विशाल हो गया, बृहद हो गया। और अंतिम और सबसे मजेदार बात जो कि लोग कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इस संविधान सभा में ज्यादातर कानून विशेषज्ञ थे, यानी वकील थे, और इस नाते से ये जो है इसको बृहद कर दिए। तो अगर वकीलों की पूरी फौज नहीं होती तो शायद संविधान छोटा लिखा जाता, लेकिन ये जो है डिबेट कर करके जो है नई नई बातें सोच सोच करके उसके लिए प्रावधान कर करके इस संविधान को कर दिए बड़ा, ठीक है। तो हमने समझ लिया सबसे बृहद और लिखित संविधान हमारा है, लंबी बात हमने कर ली। अब दूसरे पर आते हैं, नम्य एवं अनम्य दोनों ही। तो नम्य यानी लचीला और अनम्य यानी कठोर। यहां देखिए, पहले मैंने कठोर ही लिख दिया है, इसको मैं लिख दूं उसके बाद बात करते हैं। तो नम्य यानी लचीला और अनम्य यानी कठोर, तो इसका क्या अर्थ है उसको समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, किसी देश का संविधान कितने आसानी से संशोधित हो जाता है,
उस आधार पर ये दोनों शब्द कहे जाते हैं, नम्य और अनम्य। अगर किसी देश का संविधान बहुत आसानी से संशोधित हो जाता है तो उस देश के संविधान को हम कहते हैं कि उस देश का संविधान लचीला है, यानी फ्लेक्सिबल है। और जिस देश के संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल हो, उस देश के संविधान को हम कहते हैं कि वो अनम्य है, यानी कठोर है, यानी रिजिड है उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो नम्य मतलब संविधान संशोधन बहुत आसानी से हो जाए, और अनम्य मतलब संविधान संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। तो अगर अमेरिका के संविधान की हम बात करें तो अमेरिका का संविधान कठोर है, यानी रिजिड संविधान है वहां का, और यहां संविधान संशोधन हेतु विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। तो अमेरिका के संविधान में संशोधन करना बड़ा मुश्किल है, और इसीलिए यहां के संविधान को रिजिड संविधान कहते हैं। 1788 में यहां का संविधान लागू हुआ अमेरिका का, और अब तक केवल और केवल 27 संशोधन यहां आ पाए हैं। तो 200 वर्षों से ज्यादा के समय में केवल 27 संशोधन यहां पर आ चुके हैं अमेरिका के संविधान में। अगर भारत की बात करें तो भारत में जो है 122 अभी तक संशोधन जो है प्रस्ताव आ चुके हैं। ठीक है, तो अमेरिका का संविधान क्या है, बहुत कठोर है। ब्रिटेन का संविधान बहुत लचीला है, और यहां पर संशोधन करना बहुत ही आसान। अब यह मत कहने लगिएगा कि ब्रिटेन का संविधान क्या कहां से आ गया, जो मैंने आपको इससे पहले अभी बताया कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है तो वहां पर क्या है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ब्रिटेन का संविधान बहुत लचीला है और यहां संशोधन करना बहुत आसान है। तो अगर भारत की बात करें, हमको भारत का समझना, तो भारत का संविधान इन दोनों का मिला जुला रूप है, यानी भारत का संविधान कहीं कहीं इतना कठोर है उसमें संशोधन करना, और कहीं कहीं बहुत आसान है। जैसे अगर नए राज्यों का गठन करना है भारत में तो यह साधारण बहुमत से हो जाता है, सिंपल मेजोरिटी से यह जो है हो जाता है। मूल अधिकारों के विषय में कोई उपबंध करना है तो वो विशेष बहुमत उसके लिए चाहिए, और अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया में कोई संशोधन करना है तो उसके लिए तो हमें पूर्ण बहुमत चाहिए ही चाहिए। उसके बाद जो है देश के आधे राज्यों की सहमति उस पर हमें चाहिए, तब जाकर के वो संशोधन होगा। तो बहुत से विषय ऐसे हैं भारतीय संविधान में जिनमें संशोधन करना बहुत आसान है, और बहुत से विषय ऐसे हैं जिसमें संशोधन करना बहुत 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 मुश्किल है। और इस आधार पर हम कहते हैं कि भारत का संविधान बहुत जगहों पर नम्य है, यानी लचीला है, यानी फ्लेक्सिबल है, लेकिन कई जगहों पर भारत का संविधान क्या है, बहुत अनम्य है, कठोर है और रिजिड है। ठीक है, ये तीनों एक ही शब्द है। तो ये हमने समझ लिया नम्य अनम्य, लचीला और कठोर क्या होता है। तो भारत का संविधान दोनों है। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, जिस पर मैंने लिखा है एकात्म पूर्वाग्रह के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, कोष्ट में मैंने लिखा है केंद्राभिमुख संविधान, संविधान जो है केंद्र की तरफ झुका हुआ है। तो यह बात होती है कि जो भारत में शासन की व्यवस्था है वो संघीय है, यानी फेडरल है, या फिर वो एकात्म है, यानी यूनिटरी है। तो क्या है भारत का संविधान, क्या है, एकात्म है या संघीय है, इस पर बड़ा विवाद जो है चलता है कि भारत का संविधान संघीय है या एकात्म है। और बहुत से तर्क लोग जो है इस विषय पर अपना जो है देते हैं। तो भारत के अगर संविधान को हम देखें तो कई चीजें हमें ऐसी देखने को मिलती हैं जिससे यह हमें समझ में आता है कि भारत का संविधान जो है वो संघीय है, यानी फेडरल है। लेकिन कई ऐसी चीजें हमें और देखने को मिलती हैं जिन्हें देख करके हमें लगता है कि नहीं, ये फेडरल तो नहीं है, ये यूनिटरी है, यानी एकात्म है। ठीक है, तो कौन कौन से गुण भारतीय संविधान के हैं
जिसे देखकर हम उसे संघीय कहते हैं उसको समझ लीजिए। तो देखिए यहां पर दो सरकारें हैं, ठीक है, दो सरकारें हैं और एक केंद्र की सरकार है और एक राज्य की सरकार है। राज्य की सरकार केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में नहीं काम करती है, राज्यों की सरकारें केंद्र सरकार की एजेंट नहीं है, बल्कि शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है कि ये केंद्र की सरकार कार्य करेगी और ये कार्य राज्यों की सरकारें करेंगी, पूरा लिस्टिंग हुई है इसकी जो है। उसके अलावा संविधान के हिसाब से वो राज्य सरकारें बनी हैं, ना कि केंद्र सरकार ने उन्हें बनाया है और ना ही केंद्र सरकार के हिसाब से वो चलेंगे, उनके बारे में पूरा प्रावधान संविधान में है, संविधान के हिसाब से वो चलेंगे, वो एजेंट नहीं है केंद्र सरकार की, ठीक है। तो इन दोनों सरकारों में जो श्रेष्ठ है वो संविधान है, उसी के अनुसार दोनों को चलना है। तो दो सरकारें हैं अलग अलग, इनकी शक्तियां बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी बात बताया, यहां की शक्तियों का विभाजन है दोनों में। संविधान की सर्वोच्चता है, अभी मैंने बताया आपको कि संविधान सर्वोच्च है, जो है केंद्र सरकार सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है, लिखित संविधान है। देखिए एक चीज यहां पर हमने लिखित वर्सेस अलिखित, रिटेन वर्सेस अनरिटेन पे बड़ी चर्चा की। अब यहां पर जो है मैं आपको एक लेसन और देना चाहूंगा कि जहां जहां संघीय सरकारें होती हैं वहां पर जो है लिखित संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो सारी चीजें लिखना पड़ता है कि जो है केंद्र क्या देखेगा, राज्य क्या देखेंगे, सरकारों की बात कर रहा हूं, किसके अधिकार में क्या होगा, ये सारी बातें लिखनी पड़ती हैं। तो लिखित संविधान की आवश्यकता होती है, ज्यादातर संघीय देशों में लिखित संविधान होता हुई होता है, जैसे अमेरिका में है, ठीक है। तो लिखित संविधान यहां पर है। यहां पर स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका किसी के अंडर में नहीं है, केंद्र सरकार के अंडर में नहीं है, क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। उसके अलावा यहां पर द्विसदनीय विधायिका है, तो दो सदन है विधायिका के हमारे यहां, एक लोकसभा एक राज्यों की सभा। तो जो लोकसभा होती है वो भारत की जनता की प्रतिनिधि होती है, भारत की जनता की प्रतिनिधि होती है लोकसभा। लेकिन जो राज्यसभा होती है जिसे हम राज्यों की सभा कहते हैं, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है केंद्र में, इसीलिए राज्यसभा है, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो उन सब आधारों को अगर हम देखें तो हमारा जो है ये समझ में आता है कि भारत का संविधान जो है संघीय है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि जो केंद्र की सरकार है उसके पास ज्यादा ताकत है राज्य सरकारों की अपेक्षा, तो हमारा केंद्र क्या है, मजबूत है। दूसरी बात देखें तो एक ही संविधान है, संविधान दो नहीं है यहां पर, नहीं तो दो सरकारें हैं तो दो संविधान चाहिए, लेकिन यहां संविधान क्या है, एक ही संविधान है, दो संविधान नहीं है, जबकि ज्यादातर संघीय देशों में एक राज्य का संविधान और एक केंद्र का संविधान होता है। एकल नागरिकता है, नागरिकता हमारे यहां क्या है, एकल नागरिकता है, केवल भारत की नागरिकता, केवल भारत की नागरिकता, जबकि अमेरिका एक संघीय देश है, एक फेडरेशन है, तो वहां पर क्या है कि न्यूयॉर्क की एक नागरिकता होती है और फिर अमेरिका की दूसरी नागरिकता होती है। यानी अगर भारत में देखें तो ऐसे होता कि उत्तर प्रदेश की नागरिकता फिर भारत की नागरिकता, बिहार की नागरिकता फिर भारत की नागरिकता, यानी दो नागरिकता है अमेरिका में, दो नागरिकता है, पहली राज्य की नागरिकता फिर अमेरिका की नागरिकता, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है, कोई बिहारी कोई महाराष्ट्री कोई उत्तर प्रदेश की नागरिकता नहीं, केवल किसकी नागरिकता, भारत की नागरिकता। तो ये क्या है, ये एकात्म लक्षण ही है, गैर संघीय लक्षण है। उसके बाद एकीकृत न्यायपालिका, तो न्यायपालिका क्या है, एकीकृत है, न्यायपालिका जो है ऊपर एससी सुप्रीम कोर्ट, फिर 24 एचसी, फिर उसके बाद जिला न्यायालय। तो ये क्या है, ऊपर से नीचे एकीकृत है, ये राज्यों में अलग एससी नहीं है, राज्यों में अलग जो है नहीं है, ये सब एकीकृत है, सबसे ऊपर एससी है, यही कंट्रोल करता है
24 HSC को यानी हाई कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट अब स्वतंत्र नहीं है, ये एकीकृत है, और इसलिए ये भी जो है एक गैर संघीय लक्षण है। राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद, अब बताइए राज्यपाल जो है किसी भी प्रदेश का कार्यपालिका का प्रधान होता है, सारे उस राज्य के शासन के जो आदेश होते हैं उसी के नाम पर दिए जाते हैं, लेकिन इस राज्यपाल की नियुक्ति उस राज्य की जनता या उस राज्य की विधान परिषदें नहीं करती हैं, बल्कि इसकी नियुक्ति केंद्र करता है, तो यह राज्यों में केंद्र के एजेंट के रूप में बैठता है। यह भी बहुत जो है गैर संघीय लक्षण है कि राज्यों में तो सीधे सीधे दखल है कि वहां पर जो कार्यपालिका का प्रमुख है उसकी नियुक्ति केंद्र करता है, ना कि वो राज्य की विधान परिषद। उसके बाद हम देखें तो अखिल भारतीय सेवाएं, अब जो अखिल भारतीय सेवाओं में IAS IPS आते हैं, ये क्या होते हैं, ये केंद्र के नौकर होते हैं, लेकिन काम ये राज्यों में करते हैं, केंद्र में भी करते हैं। तो अखिल भारतीय जो सेवाओं के नौकर होते हैं वो केंद्र के होते हैं, केंद्र के मातहत वो नौकरी करते हैं, लेकिन वो राज्यों में काम करते हैं, तो एक प्रकार से ये भी जो है केंद्र की ही भूमिकाओं को जो है राज्यों में देते हैं। तो इससे भी पता चलता है कि ये भारत का जो व्यवस्था है वो गैर संघीय है। उसके बाद आपातकालीन प्रावधान है हमारे यहां, ठीक है, तो ये कहा जाता है कि जब आपातकाल लग जाता है तो भारत का संविधान एकदम यूनिटरी हो जाता है, एकदम एक आत्म हो जाता है। उसके अलावा हम जानते हैं कि केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति जो है राज्य सरकारों को भंग कर सकता है, ऐसा हमने एक बार देखा है जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की 4 सरकारों को जो है राष्ट्रपति ने भंग कर दिया था, जबकि वो सरकारें जो है जनता से चुन करके आई थी, पूर्ण बहुमत की सरकारें थी, उन राज्यों में चल रही थी, लेकिन उन सब राज्य सरकारों को राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, भंग कर दिया। केंद्र राज्य में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है, केंद्र जो है संसद में प्रस्ताव पारित करके राज्यों की सीमाएं बदल सकता है, उनका नाम बदल सकता है, ठीक है, तो ये सारे काम कर सकता है केंद्र। और इसे देखने के बाद ये लगता है कि नहीं, भारत का संविधान संघीय नहीं है, ये तो गैर संघीय है यानी एकात्म है। तो इन सब को समझने के बाद न तो ये हमें जो है संघीय लगता है और न तो इसे देखने के बाद हमें ये एकात्म लगता है, और इसीलिए हम मानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो अर्ध संघीय है। तो भारत का संविधान क्या हम मानते हैं, अर्ध संघीय मानते हैं, और यहां मैंने लिखा है कि भारत के संविधान में संघीय और गैर संघीय दोनों लक्षण है। तो फाइनल ये है कि हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान अर्ध संघीय है, ये न तो संघीय है और न ही एकात्म है, ये तो बीच का है। हालांकि हम लोग तो हर जगह बीच का ही रास्ता ढूंढते हैं, ठीक है, ये मान करके यही सही होगा। तो हमारे संविधान के बारे में जो इतनी बातें मैंने आपसे की, कुछ संविधान विशेषज्ञों ने जो टिप्पणी की है उसको भी यहां मैं आपको बताना चाहूंगा। परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछा जाता है, तो आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। तो केसी हेयर ने मेरी ही बात कही, क्या कहा, कि भारत का संविधान अर्ध संघीय है यानी क्वाजी फेडरल है। भारत का संविधान क्या है, क्वाजी फेडरल है, और यह बात किसने कही, केसी हेयर ने कही, नोट कर लीजिएगा। आइवर जेनिंग्स, ऐसा संघ जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, केंद्राभिमुख संविधान, आइवर जेनिंग्स ने यह बात कही, इसे नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता, तो हमें जो है ऐसा नहीं करना है, ये एकात्म नेचर भी लेकर के चल सकता है, ये केंद्र की तरफ ज्यादा झुका हो सकता है। तो जी ऑस्टिन ने कहा इसे सहकारी संघवाद,
जी ऑस्टिन ने कहा इसे सहकारी संघवाद, जिसे इस समय मोदी जी उठा लिए हैं और खूब यूज कर रहे हैं। बजट में आप देखते होंगे, बजट डॉक्यूमेंट्स में लिखा रहता है सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, तो सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा, ये चारों बातें जो मैंने आपको बताई उसे लिख लीजिए। एक मिनट में ये हम समझना चाहेंगे कि ऐसा क्यों, क्यों भारत का संविधान ज्यादा केंद्र की तरफ झुका हुआ है। देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो हमारे जो संस्थापक पितामह थे उनके मन में यह बात थी कि जब तक अंग्रेज रहे उन्होंने तलवारों के दम पर इस देश पर शासन किया, लेकिन भारत में बहुत सी विविधताएं हैं और हो सकता है कि जब अंग्रेज भारत से चले जाएं तो ये जो अलग अलग विविधताओं को जोड़ करके हमने भारत बनाया है ये कहीं टूट ना जाए, कहीं क्षेत्रीय भावनाएं न उठने लगी, क्षेत्रीयता का भाव कहीं लोगों के मन में उठने न लगे। भारत ऐसा भाव बाद में आए, राजस्थानी ऐसा भाव पहले आए, उत्तर प्रदेश वाला पहले आए, भारत वाला बाद में आए, कहीं ऐसा ना हो लोगों के मन में ये बात आने लगे। और इसका एक उदाहरण तमिलनाडु में भी देखने को मिला, एमबी थंबुदरई के नेतृत्व में वहां पर अलग तमिलनाडु राज्य यानी देश बने, इसके लिए जबरदस्त आंदोलन चल रहा था। तो अलगावाद की चिंगारी देश में न फैले, क्षेत्रीयता की भावनाएं कम से कम रहे और ज्यादा से ज्यादा जो है भारतीयता की भावनाएं रहे, यानी जिसके कारण हम देश को एकजुट रख पाए। एकल नागरिकता हमने इसीलिए दी कि चलिए भाई भारतीयता की भावना होनी चाहिए। कोई उत्तर प्रदेश, कोई मध्य प्रदेश, कोई महाराष्ट्रियन, कोई राजस्थानी, इसकी भावना नहीं, भारतीय होने की भावना। और जो है कुल मिलाकर के हम सब भारत के नागरिक हैं ऐसा भाव आए। शासन करने के दृष्टिकोण से हमने राज्यों का गठन किया है, इससे ज्यादा हमने नहीं किया है कि शासन में सहूलियत आ जाए। एक सेंटर के तहत हम शासन नहीं कर सकते, इसलिए हमने राज्यों को बनाया है और बस इतना मतलब है। नहीं तो कुल मिलाकर के अंतिम भारत ही है, कोई उत्तर प्रदेश, कोई राजस्थान, कोई मध्य प्रदेश नहीं। ये भाव जिंदा रहे, ये डर था, हम ज्यादा संघीय लक्षण नहीं दे सकते थे। और ये सारी बातें जो अभी मैं बता रहा हूं कैबिनेट मिशन में सब मैंने आपको बताया है, तो सारे लेक्चर एक क्रम से देखते चलेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। अब चौथे पॉइंट पर आते हैं, न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता में समन्वय। ठीक है, तो हमने न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता इन दोनों में समन्वय बनाया है, यानी बीच का रास्ता हमने इसमें भी निकाला है। ठीक है, देखिए ब्रिटेन में संसद प्रधान है, कहा जाता है कि ब्रिटेन में संसद बहुत ताकतवर है और सारे काम ये संसद कर लेती है। इसके बारे में मजाक भी किया जाता है कि ब्रिटेन की संसद बच्चा पैदा करने के अलावा सारे काम कर लेती है। तो केवल ये बच्चा नहीं पैदा कर सकती लेकिन और सारे काम कर सकती, इतनी ताकतवर है। तो ब्रिटेन में संसद प्रधान है और अमेरिका में न्यायपालिका, तो अमेरिका में न्यायपालिका बहुत प्रधान है, एक बार जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। लेकिन भारत ने इन दोनों के बीच उचित जो है संतुलन बनाया हुआ है। ठीक है, तो हमारे यहां न तो संसद संप्रभु है, प्रधान है, और न ही जो है न्यायालय संप्रभु बन गए हैं या प्रधान बन गए हैं। तो पहले तो एक ढांचा जो है आप देख लीजिए, एक होती है विधायिका, विधायिका। ठीक है, तो विधायिका में कौन आता है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसका क्या काम है विधायिका का, कानून को बनाना। ठीक है, कानून बनाना यह काम है विधायिका का, उन कानूनों को लागू करवाना ये काम है कार्यपालिका का। ठीक है, तो कानून बनाना विधायिका का काम है, कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करना। कार्यपालिका में जो है दो कार्यपालिका होती है, एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है जिसमें मंत्रिपरिषद आता है प्रधानमंत्री सहित, और जो है एक प्रशासनिक कार्यपालिका होती है जिसमें आते हैं नौकर शाह, जिसे ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है, नौकर शाह। तो एक ही समय में वो नौकर भी रहते हैं और शाह भी रहते हैं यानी राजा भी रहते हैं, तो वो प्रशासनिक कार्यपालिका होती है। और एक जो है
राजनीतिक कार्यपालिका होती है, ठीक है। इनका काम क्या है, जो कानून पारित हुआ उसे लागू करवाना इनका काम है। तीसरा ही होती है न्यायपालिका। ठीक है, तो न्यायपालिका क्या करती है कि यह जांचती है कि ये विधायिका ने जो कानून बनाया है वो संविधान से सुसंगत है कि नहीं। अगर वो संविधान से सुसंगत नहीं है तो न्यायपालिका उस कानून को क्या कर देती है, रद्द कर देती है। ठीक है, न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर देती है जो विधायिका बनाती है। तो इसी को कहते हैं नियंत्रण और संतुलन का ढांचा, कि विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है, और कार्यपालिका जो है वो जवाबदेह होती है विधायिका के, यानी जो है लोकसभा के। और तीसरी बात यह है कि ये विधायिका के ही सदस्य कार्यपालिका में आते हैं। अगर हम राजनीतिक मंत्री परिषद की बात करें तो सबको जो मंत्री बनेगा 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना ही बनना है, और इस नाते से ये जो है विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका में आते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका जो कि मूल कार्यपालिका है। और जो है ये कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। विधायिका जो कानून बनाती है वो संविधान से सुसंगत है कि नहीं है, मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ की गई है कि नहीं है, इसको जांचने के बाद संविधान ठीक, वो कानून या वो संशोधन ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी समीक्षा करने वाला न्यायपालिका है। और यही गार्डियन है भारत के संविधान का, यानी संविधान के का ये रक्षक होगा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। तो क्या है कि अमेरिका की जो न्यायपालिका है वो बहुत मजबूत है। ठीक है, तो उसने जिसे कह दिया गलत वो गलत, फिर संसद उसे जो है सही नहीं कर पाएगी। ये अमेरिका की स्थिति है। और ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन में ये न्यायपालिका एकदम खत्म है, इसकी कोई औकात नहीं है। जो संसद ने कह दिया वही प्रधान, संसद ने ब्रिटेन में जो कहा उस पर कोई जांच परख भी नहीं, वही सही वही सही वही सही। और अमेरिका में न्यायपालिका ने जो कह दिया वो सही वो सही वो सही। लेकिन भारत में क्या है कि भारत ने इन दोनों में भी उचित संतुलन बनाया है, क्योंकि हम गुलामी से निकले थे तो उचित संतुलन बनाना ही हमने सीखा है। और निश्चित रूप से अगर मैं अपने विचार रखूं तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि उचित संतुलन बनाना जीवन में कितना जरूरी है। हर जगह तो ये जरूरी नहीं ही होगा। ठीक है, तो उचित संतुलन हमने बनाया, हमने क्या बनाया कि मूल ढांचा जो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसे छोड़ करके संविधान का संशोधन भारत की जो संसद है वो बड़े आराम से कर सकती है। तो मूल ढांचा क्या है कि भाई आप ये नहीं बदल सकते कि भारत में जो है लोकतंत्र के जगह दूसरा कोई शासन प्रणाली आ जाए। भारत एक गणराज्य है, इसे आप नहीं बदल सकते। भारत में जो है संघीय व्यवस्था की सरकारें चलती हैं, इसे आप नहीं बदल सकते। भारत एक जो है पंथ निरपेक्ष देश है, इसे आप नहीं बदल सकते। तो एक पूरी की पूरी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, मूल ढांचा सिद्धांत है, उस सिद्धांत को छोड़ करके आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। यह हमारे पास संसद की शक्ति है और न्यायपालिका की यह शक्ति है कि मूल ढांचा सिद्धांत को आप छू नहीं सकते। तो हमने दोनों को जो है इसमें रखा, इसीलिए लिखा है कि न्यायिक सर्वोच्चता को भी हमने बरकरार रखा है और हमने संसद के संप्रभुता को भी मर्यादा दी है। जबकि ब्रिटेन में क्या है कि संसद बहुत ताकतवर, न्यायपालिका बहुत कमजोर, अमेरिका में न्यायपालिका बहुत कम मजबूत और संसद बहुत कमजोर। यह है मूल रूप से हमने समन्वय बनाया है। हमने जो है कहीं पर न्यायिक सर्वोच्चता को प्रधानता दी और कहीं पर संसदीय संप्रभुता को दिया। संसद बहुत बड़े स्तर पर संशोधन कर सकती है और ला सकती है। पांचवा और आज का अंतिम, पंथ निरपेक्ष राज्य। ठीक है, तो यह तो संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा है, संविधान की प्रस्तावना में लिखा है ना, जो उद्देशिका है उसी में लिखा है इसके बारे में। तो इसका बस इतना मतलब होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। तो राज्य अपना कोई धर्म नहीं मानेगा, राज्य के निवासी जिस धर्म को मानते हैं, जिस धर्म को अपनाना चाहते हैं वो स्वतंत्र हैं।
राज्य उनके जो है इस मामले में दखल नहीं देगा। राज्य को कोई मतलब नहीं है कि आप कौन से धर्म को माने, इस आधार पर वो न तो आपको प्रिफरेंस देगा और न ही वो आपके साथ जो है कोई भेदभाव करेगा। तो राज्य जो है पंथ का न्यूट्रल बना रहेगा, नागरिक चाहे जिस पंथ का जिस धर्म का अनुसरण करना चाहे वो कर सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य, संविधान प्रस्तावना में हित राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। तो इस प्रकार से संविधान की प्रमुख विशेषताओं को हमने देखा, कुल पांच को हमने देखा। इसी लेक्चर के अगले पार्ट में हम कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखेंगे। तो इस वीडियो को आपको जैसा भी लगा हो उस हिसाब से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कोई बात होगी तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।